नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग से उपजे हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तैनात मुलाजिम जहां अपने अपने परिवारों के साथ जहां जम्मू पहुंच रहे हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के मुलाजमों ने भी जम्मू में आज लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन कर उन्हें जम्मू सूबे से ट्रांसफर करने की मांग की है। वहीं जम्मू में टारगेट इलाके में स्थित टाउनशिप में आज इन मुलाजमों का वापस पहुंचना जारी रहा। उधर टारगेट किलिंग से खौफजदा मुलाजमों ने जम्मू में आज लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन कर सरकार पर उन्हें सुरक्षा न देने का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है, अब तक कश्मीर के हालात समाने नहीं होते या फिर उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती, वो वापस लौटने वाले नहीं है। अभी हम श्रीनगर से आ रहे हैं और जम्मू आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, हमें लगा कि जो माइनॉरिटीज को लेकर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, पर्टिकुलरली मैं करूँगा बहुत कश्मीरी पंडित यूथ जो वैली में प्राइम मिनिस्टर से एम्प्लॉयमेंट पैकेज के अंदर 2010 से काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है अलार्मिंग है हमारे लिए। इसलिए हमें लगा कि हमें अपनी जान बचाना है और इसको देखकर हमने सोचा कि हम सेफर प्लेस की तरफ मूव करेंगे। से लगातार जो किलिंग्स माइनॉरिटी कमेटी मेंबर्स की हुई हैं, दो चाहे पहले रंजीत बालाजी की हुई, कल गवर्नमेंट है ये सॉरी कल बैंक एम्प्लॉय की हुई है, तो इसको देखकर और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि ऑफिस में ही उनकी वर्किंग प्लेस पर ही हत्या हो गई है। इसको देखकर हमें लगा कि नहीं, जो हमारे लिए सिचुएशन जो वो अलार्मिंग है, ग्रेव है। तो इसको देखते हुए हमने पहले से जो डर का माहौल जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के बीच में जो वैली में उनमें पैदा हुआ, इसी को देखते हुए हमने सोचा हम पहले अपनी जान बचाएंगे। अगर यहाँ पर रखना है कश्मीर में तो कोई सिक्योर लोकेशन दें जहाँ पे हम सेफ्टी फील कर सकें। देखिए, बॉर्डर के बाहर आप सिक्योरिटी लगा दीजिए, लेकिन बाहर तो बंदे को फील्ड पे काम करने के लिए जाना होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनको या तो जम्मू में रिलोकेट करके यहाँ पे जॉब दे दीजिए, बस डिमांड यही है। लेकिन फिर बात यह है कि अभी हम कश्मीर से आ रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर 20-25 के आसपास है, वहाँ आपकी हमारी स्कीम चल रही है। हम जो वहाँ से निकाले गए हैं, हमें बाहर कब तक रहना पड़ेगा? बर्दाश्त के बाहर है। एक दिन के बाद दूसरी तीसरी चौथी आप कल खुद देख रहे हैं कि कल जो बैंक मैनेजर एक दिन दहाड़े वहाँ पर आ जाता है और गोली मार के चला जाता है। क्या वहाँ के जो बैजाती क्या वो सोई है क्या? अच्छा, वो जो गाँव के लोग वो क्या वो बैठे हैं? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा उसको? उसको उस बंदे को क्या जमीन खा गई, आसमान खा गया है? एडमिनिस्ट्रेशन तो लापरवाह है ही है। क्या वहाँ के जो लोग हैं जो अपने कश्मीर का जो बयान देते हैं, क्या वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वहाँ के जो मौलवीज है, मुफ्तीज है, उलमाज है, क्या उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए? कि इस बात इसका खंडन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? आप निहत्ते लोग क्यों मारे जाते हैं? जो यहाँ से लोग जा रहे हैं सेवा के लिए, पढ़ाने के लिए, स्कूलों में जा रहे हैं, तो स्कूलों में यह हत्या तो स्कूल कहाँ रहा? स्कूल को हमारे में एक मंदिर माना बोला जाता है, तो स्कूल में जब यह हत्या हुई तो फिर सुरक्षित जगह कौन सी है? क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जब तक हालात तब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी इनके लिए होनी चाहिए, तब तक और देखा 370 के वक्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तब तक इनको राहत मिलनी चाहिए, इनका रिस्क में नहीं डालना चाहिए। पहला जान की सुरक्षा उसके बाद दो वापिस आए हैं और कुछ लोग वापिस आ रहे हैं, जो छूट गए थे वो भी वापिस आ रहे हैं, क्योंकि इतने डरे हुए हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे न्यूज सुन रहे हैं वो डर रहे हैं, हमें फोन पे फोन आ रहे हैं आप कहाँ पे, आप कहाँ पे, हमें कहा हम लोग वापिस आ गए हैं। तो सर आपको वापिस जाना मुश्किल है, हमें एक ही है वहाँ से वापिस ले जाए और यहाँ हम वापिस नहीं जाए। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर कश्मीर के हालात पर एतराज जताते हुए सरकार द्वारा शांति बहाली के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। वहीं इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि मौजूदा सरकार अगर कश्मीर में शांति बहाल नहीं कर सकती है तो उसे अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यानी वो तमाम दावे आज खोखले साबित हो रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर सरकार कश्मीर में शांति लाने में, अमन बहाली लाने में नाकामयाब साबित हो रही है, तो वो तमाम मंत्री, गृह मंत्री समेत वो तमाम मंत्री आज देश के सामने इस्तीफा दे
अपने पद से वहां से हटें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कश्मीर की जनता के साथ हमारे साथ जो वादा किया गया था वो वादा खिलाफी हुई है। आज अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, कश्मीर के हर नागरिक के दिल में इस समय आतंकवाद का खौफ है और ये खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार मूक दर्शक बनी है। हमारी मांग है कि वो तमाम मंत्रियों ने जिन्होंने कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया था और जो सुरक्षा को लेकर नाकामयाब साबित हो रहे हैं, वह तमाम मंत्रीगण इस्तीफा दें। कश्मीर में अमन बहाली, कायम करो, कायम करो। कश्मीर में अमन बहाली। कश्मीर घाटी में बढ़ रही टारगेट किलिंग के चलते जम्मू की जगती टाउनशिप में रहने वाले कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने इस वर्ष माता खीर भवानी की यात्रा पर न जाने का फैसला किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इसे चिंताजनक बताया है और सरकार को इसका जिम्मेदार भी ठहराया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार घाटी में हालात के समाने होने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन पिछले एक महीने में आतंकियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया जिसके कारण लोग घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा ने भी टारगेट किलिंग और खीर भवानी के मेले में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के फैसले पर भी चिंता जताई है और सरकार से लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की बात कही है। 2019 के बाद ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? जो लोग प्लान करके आए थे उसके बाद कोई वारदातें इस तरह से सिलेक्टिवली और टारगेटेड किलिंग कभी नहीं हुई थी बड़े पैमाने पे, लेकिन आज हो रहा है। और आज कश्मीरी पंडितों भाइयों को ये कहना पड़ रहा है कि हम खीर भवानी मेले में नहीं जाएंगे, उसका बायकॉट करेंगे, और फिर भी सरकार जागती नहीं है, फिर भी उनको सुरक्षित जगह पे नहीं तैनात करती। और इसलिए जान और माल की सुरक्षा करना सरकार का काम है और ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि चिंताजनक विषय है। इस पे आतंकवाद और उसके साथ निपटने के लिए हम सब एकजुट हैं, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी। देखिए, कश्मीर में जो पिछले लगभग 12 मई से 7 लोगों की हत्या किया जाना बहुत चिंताजनक विषय है। पिछले लगभग 2 वर्ष सुरक्षा बलों ने, सरकार ने जो मेहनत की है, एक शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम की थी, आज कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचा है। लोगों में का मनोबल ना गिरे इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दें ताकि वहाँ पर माइग्रेशन शुरू ना हो। ये इस प्रकार के निर्णय लेने से मुश्किलात होती है और हम लगता है कि हम ब्रिटेन के आगे सरेंडर कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था उस रास्ते पर जो गाड़ियां जाती हैं उनके साथ सिक्योरिटी भेज करके इस यात्रा को सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने सीमावर्ती सुचेतगढ़ के गांव चक्रोई के युवाओं में खेलों का सामान वितरित किया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और इनके योगदान से देश की तरक्की संभव हो सकती है। NYC योजना के तहत सेवाएं दे रहे मुलाजमों ने आज लगातार 5वें दिन जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और इन लोगों के मुताबिक आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात कर उनकी व्यवस्था सुनी है, जिससे कि उनमें उम्मीद है कि किरण जागी है। कि उन्होंने ये भी बताया कि जब तक उन्हें नियमित करने के साथ साथ उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती तब तक वो इस धरने से उठने वाले नहीं है। आई दी ते मैं थोड़े माध्यम कन्ने सारे गी सनाना चाहनी है कि असें गी अज बीजेपी आले जेड़े महामहिम अपने रविंद्र रैना जी, ओदे बाद साढ़े सुनील शर्मा जी, ओदे बाद पठानिया जी, वो आए दे सवेरे साढ़े हाल जानने। चलो देर आए दुरुस्त आए भाएं 5 दिनें बाद गै आए पर आए, असें बड़ी खुशी है उंदी की के 5 दिनें बाद अस मैं थोड़े माध्यम कन्ने सनाना चाहनी कि कुदै दरवाजे पर कोई कुत्ता भी साढ़े बैठे दा होंदा नी, अस उसी भी आंदे जन्ने हाल पुछने। अस ते इंसान बैठे दे हे यार इंतदाद च इत्थे बैठे दे। चलो 5 दिनें आए, असें बड़ी खुशी है कि वो आए, उन्हें असें एक वादा किया है कि अस जल्दी कोला जल्दी थोड़े मसले गी हल करने ते बगदे उप्पर असें भी उठना नहीं है जेल्ले तक वो साढ़े कोल कोई
ठोस और पक्का कोई रिटर्न आर्डर लेइयै नहीं आंगन ओले तक असें उठना नहीं है। साढ़ी इक्कै डिमांड है शुरू कोला पंजें दिनें दी जां बारह सालें दी साढ़ी इक्कै डिमांड है कि असें हुण इक रेगुलाइजेशन दी पॉलिसी चाहिदी कि असें हुण जेहड़े पंजियें समें उप्पर हुण असें कम्म नहीं करना, बड़ा घट हुंदा कन्नै असीं मतलब तौले कोला तौले साढ़ी सैलरी एनहेंस कीती जा ते तौले कोला तौले असीं रेगुलाइजेशन दी पॉलिसी दित्ती। केंद्र पुलिस बलों से रिटायर हुए लोगों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर उनके लिए लागू किए गए नए एक कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने उन्हें सीसी रूल के दायरे से बाहर रखने और 2004 में बढ़ती हुए जवानों की पेंशन बहाल करने सहित अन्य मांगों को हवाला देते हुए सरकार से इन मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। तो फिर हम लोगों को जो है सीसी रूल से अलग करना चाहिए। नंबर दो, ये जो हमारी 2004 के जवान भर्ती हैं उनको उनके बाद जो है पेंशन जो है ये बंद कर दी गई, जबकि एक एमएलए एमपी जो है उसकी पेंशन अगर वो 5 साल नौकरी करता है तो उसको फुल पेंशन मिलती है, और उसकी पेंशन जो है वो अगर 4 दफा सेलेक्ट होता है तो 4 दफा मिलती है। 2-2 लाख रुपया लोग ले रहे हैं, फुल फैसिलिटी कर रहे हैं, और 30 साल बॉर्डर पे एक आदमी नौकरी कर रहा है उस आदमी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं सोच रही है। और सोल्जर बोर्ड की तरह हमें भी एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस मिलना चाहिए, और उसके बाद सेक्समैन का दर्जा जो है ये देना चाहिए। जो हमारा 18 महीने का डीए फ्रिज किया हुआ है उस वो हमें मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है, इतने काम हो रहे हैं तो हमारा डीए क्यों फ्रिज किया गया है। जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाके में स्थित सरकारी स्कूलों की इमारतें अपने हाल पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन इन इमारतों की ओर ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है, जिसका खामियाजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक स्कूल है तहसील सुरनकोट का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपर राइत फगला में। साल 2014 में भारी बारिशों के दौरान भूस्खलन के कारण स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी, और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के मुताबिक इमारत के खस्ता हाल होने के कारण उन्हें हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार सरकार और शिक्षा विभाग से इमारत के निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इधर हम जब आते हैं डर लगता है हमें, कब छत गिर जाएगा। परेशानी ये है कि ये बिल्डिंग जो है जब बनाई थी तो उस वक्त 2014 की बात है, तो वहाँ यहाँ पे बहुत बरसात हुई, बरसात की वजह से ये पूरा फैल गया, तो बच्चे बहुत डर रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग पूरी गिरने वाली है। तो जब बच्चे यहाँ पे हमारे आते हैं तो बहुत डरते हैं, बोलते हैं कि हम कैसे वहाँ बैठेंगे बरसात में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो मुझे खुद परेशानी होती है कि बच्चों को भेज के बहुत टेंशन रहती है। 2014 में यहाँ पे भारी बारिश हुई, जहाँ लैंडस्लाइड हुई, यहाँ आपने देखा है कि आगे से जो है काफ़ी लैंडस्लाइड होने के बाद जो है पलंथ के नीचे तक जो है ज़मीन बह गई थी। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से रिटर्न में जो है अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर को जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई। मेरे चीफ एजुकेशन ऑफिसर उस वक्त बड़े ईमानदार जो है लाल हुसैन साहब थे, मैंने उनके पास भी जो है एक डेपुटेशन भी दिया, उनको भी रिटर्न में दिया, मगर बदकिस्मती से अभी तक भी कोई जो है मुस्बत कार्रवाई इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं हुई है। 2018 में मुझे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेडमास्टर मिडिल स्कूल फागला, उनके रिक्वेस्ट पे मुझे अटैच कर दिया था मिडिल स्कूल फागला में, क्योंकि वहाँ टीचर्स जो है उनकी कमी थी, वहाँ उनका जो है अंडरस्टाफ था। मैं 2018 से 2022 तक मुझे वहाँ रहना पड़ा। यहाँ पे लोगों ने बच्चों को इसलिए निकाला कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। अब मैं वापस आया यहाँ तो मैंने 25 बच्चे जो है प्राइमरी में और 11 बच्चे जो है हमारे 11 बच्चे जो है प्री प्राइमरी में मैंने एडमिशन उनकी की है, लेकिन अभी आपके साथ जो लोग बात कर रहे थे वो बच्चों को निकालने की बात कर रहे थे, वो इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। 2014 में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिशें हुई, कम से कम 10 दिन बारिशें हुई, जिसमें पूरा कश्मीर सैलाब में बह गया था। उस दौरान हमारी ये बिल्डिंग भी लैंडस्लाइड आगे से स्लाइड हो गई और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन ये आज तक खड़ी इसलिए है कि इसके पलंथ में भीम डाले, इस वजह से आपने देखा ये बाहर क्या हालत है, लेकिन उस वजह से आज तक ये बिल्डिंग खड़ी है। यहाँ इनरोलमेंट कम होती जा रही है इस वजह से कि पेरेंट्स को डर है
कि हमारे बच्चे कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए। हमें भी इस चीज़ का डर रहता है कि हम कहीं बिल्डिंग आंधी आती है। फार फ्लांग एरिया है, यहाँ पे बारिशें ज़ोरदार होती है, हवाएं तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमें खतरा रहता है। हम दिन भर जिस दिन मौसम ख़राब होता है हमें भी ये परेशानी रहती है कि किस टाइम कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें न्यू बिल्डिंग दी जाए या इसकी रिपेयरिंग की जाए आए, ताकि हमें न्यू बिल्डिंग बन जाए। अनाथ बच्चों की मदद के लिए यूं तो कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 61 उदयवाला में बिन माँ बाप के दो मासूम बच्चों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इन बच्चों की परवरिश इनके बुजुर्ग दादा दादी कर रहे हैं, लेकिन इन बुजुर्गों के कमजोर कंधे अब इन अनाथ बच्चों की परवरिश का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। बड़ी मुश्किल के जा रहा है साढ़ा चला दा, ते इंदी कोई है, कोई हेल्प करे, कोई हांजी वाले करन, कोई भी करे साड़ी हेल्प करे थोड़ी। मेरे बच्चों का कोई भविष्य बने, पढ़ी लिखी आ मेरे बच्चे, अब बड़े मजबूर हो गए। हमारे पास बुक्स भी नहीं है और टीचर भी बोलते हैं कि गाइड्स वगैरह लो, हमारे पास वो भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एनजीओ जो गवर्नमेंट है ये भी हमारी मदद करे, हमें भी कुछ दे, हमारी बुक्स वगैरह दे, हम भी पढ़ सकें। आंसू बहा रही इस बुजुर्ग महिला पर ऊपर वाले ने बहुत जुल्म किया है। ऊपर वाले ने इस बुजुर्ग के जवान बहु बेटे को इससे छीन लिया। ऊपर वाले ने ना केवल इस बुजुर्ग महिला के बुढ़ापे का सहारा छीना, बल्कि इसके कमजोर कंधों पर दो मासूम बच्चों की परवरिश का भी बोझ डाल दिया। इस बुजुर्ग महिला के कमजोर कंधे ना तो ये बोझ उठा पा रहे हैं और ना ही इस बोझ को कंधों से नीचे उतार पा रहे हैं। बिन माँ बाप के पोता पोती के भविष्य और परवरिश को लेकर ये बुजुर्ग सरकार और ऊपर वाले के समक्ष हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। इंजा मेरे दो पुत्र की डेथ हो गई, नूह की भी हो गई, अगे बच्चे निके निके, बड़ी मुश्किल गुजारा साढ़ा चला दा। ते इंदी कोई कोई हेल्प करे, कोई एनजीओ वाले करन, कोई भी करे साड़ी हेल्प करे थोड़ी। मेरे बच्चों का कोई भविष्य बने, पढ़ी लिखी आ मेरे बच्चे, अब बड़े मजबूर हो गए। इंदे बच्चे का भी कोई खर्चा चुके, इंदी पढ़ाई का खर्चा, इंदे रोटी का खर्चा, कोई बड़ी मुश्किल है सानू बनी दी। महंगाई के इस दौर में इन मासूम नन्हे बच्चों के साथ साथ अपना पेट भरना इस बुजुर्ग महिला और इसके पति के लिए बेहद मुश्किल हो चुका है। काम करना इसके बस का नहीं और आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं, जिसके कारण ये बुजुर्ग बेहद परेशान है। इन बुजुर्गों का कलेजा तब मुंह को आता है जब ये मासूम बच्चे उनसे किताबें और कुछ खाने को मांग लेते हैं। काफी सारी एनजीओ जो लोग मदद करते, साड़ी भी कोई मदद करे, अस भी कोई दुनिया करने रलचे थोड़ा, बड़े मजबूर हैं, बड़े तंग हो गए हैं। ऊपर वाले की ज्यादती और सरकार की अनदेखी के कारण इन बच्चों की शिक्षा भी अब पूरी तरह से प्रभावित है। इन मासूम के पास ना पढ़ने के लिए किताबें हैं और ना ही लिखने के लिए नोटबुक, और इनके बुजुर्ग और गरीब दादा दादी उन्हें ना ही किताबें दे सकते हैं और ना ही कोई नोटबुक उपलब्ध करवा पा रहे हैं। मेरा नाम दीक्षा है और हमारे मम्मा पापा की डेथ हो गई है
और हमें इतनी मुश्किल बन गया कि हमारे पास कॉपियां तक भी नहीं है पढ़ने के लिए। हमारा भी मन करता है कि हम पढ़ें। पहले हम प्राइवेट स्कूल में थे, अब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे पास बुक्स भी नहीं है और टीचर भी बोलते हैं कि गाइड्स वगैरह लो, हमारे पास वो भी नहीं है। दादा दादी की इस बेबसी और लाचारी पर बिन माँ बाप के ये दोनों मासूम बच्चे परेशान हैं और इन मासूमों ने सरकार और गैर संस्कारी संस्था से मदद की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि एनजीओ जो गवर्नमेंट है ये भी हमारी मदद करें, हमें भी कुछ दें, हमारी बुक्स वगैरह दें, हम भी पढ़ सकें। कहते हैं जब इंसान के कंधों पर मुसीबत का बोझ पड़ जाता है तो उसे वो उठाना ही पड़ता है। इसके अलावा इंसान के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता। अब देखना ये है कि सरकार और समाज से इन बुजुर्गों के कंधों पर पड़े इस मुसीबत के बोझ को बांटने के लिए कितने लोग आगे आते हैं और इन मासूमों का भविष्य संवारते हैं। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू जिले के ब्लॉक मढ़ के गांव पजोड़ा के लोगों ने कश्मीर में की जा रही बेगुनाहों की हत्या को लेकर दुख व्यक्त किया है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इस दौरान इन लोगों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से कश्मीर में नौकरी कर रहे जम्मू के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने या फिर जम्मू भेजने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की अपील की है। सर देखो मेरा नाम रीता देवी है, ये जेड़े श्रीनगर में होवा दे अत्याचार होवाइया ने। एक दिन पहला मैडम साड़ी मारी उड़ी, आज एक बैंक मैनेजर मारी उड़िया। सर अस ये चाहने कि ये गुजारिश करने अस सरकार अगे कि से साढ़े जेड़े इधर है जम्मू के लोग उधर ड्यूटी करा दे ना, वो इधर आने चाहिए ना। अगर इधर नहीं आना तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलने चाहिए है, कि उन्हें निके निके बच्चे जेड़े रही आते ना, माँ प्यो बगैर बच्चे का जीना तो मुश्किल ना। उनके वास्ते अस ये करने कि साढ़े जेड़े उधर इधर है जम्मू के लोग उधर नौकरियां करा देना, उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जा। जी मेरा नाम अंकु शर्मा है। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे जम्मू के जो हिंदू भाई हैं जो श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं उन पर दिन ब दिन अटैक हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इधर जम्मू से ड्यूटी कर रहे हैं श्रीनगर में उनको जम्मू में लाया जाए। ये मुलाजिम कैसे वहाँ सेफ रहेंगे? हम ये एलजी साहब से दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जनाब सख्त से सख्त स्टेप उठाइए इनके खिलाफ। आपके पास पूरी पावर है, फोर्स है, सीआरपी है, बेल्ट फोर्स है, जेएंडके पुलिस है, आपके पास इतनी पावर है। आप एक मैसेज नरेंद्र भाई मोदी को दीजिए, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं इनका परिवार तो क्या, इनको यर्ट से उखाड़ दो। जो मिलिटेंट हैं ये नजर नहीं आने चाहिए हमारी स्टेट में। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। सांप को जितना मर्जी दूध पिलाओ वो कभी मित्र नहीं बनता। ये बहुत सांप पाले हैं श्रीनगर में, इनको जल्दी से जल्दी खात्मा किया जाए इनका। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये एलसी साहब तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। सेंटर में नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मतलब बहुत ही एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको हम ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी पूरा हिंदुस्तान पूरी जनता आपके साथ है। भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रधान चांची भट्ट ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा। और हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष जी है स्टेट का भी उन्होंने अपना ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया और हम भी अपने डिस्प्लेसड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अपना रिपोर्ट का कार्ड जो है पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले
हमारी बात 2014 में हमारे प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में पहली बार उठाई थी। उसके बाद में जो हमारा इंटरिम बजट 2014 में आया है उसमें 500 करोड़ सरकार ने रखी है, लेकिन जब 2015 में बजट आया उसमें सरकार ने 2500 करोड़ रुपए हमारे लिए रखरखाव के लिए, माइग्रेंट कैंप बनाने के लिए और जितने भी टाउनशिप है उसको बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में अभी तक जितने भी बच्चे हमारे लगे थे 1417 बच्चे लगे थे, यहाँ के गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में ने हाथ खड़े किए हम दोबारा इसको इनको नहीं लगाएंगे क्योंकि 6000 का एक टारगेट था। बाद में हमारी सरकार ने इंटरवीन करके 6000 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पैकेज में रखा है। एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा ई शिक्षा का शुभारंभ किया गया और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा एकल विद्यालय में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों और टीचरों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इन स्कूलों में अब बच्चे टैबलेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इस कड़ी में राजौरी के सुंदरबनी के तरियाठ में स्थित एकल विद्यालय के टीचरों में भी टैबलेट वितरित किए गए। जम्मू कश्मीर की इन खास खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।